guys, welcome back to our channel, Jai Shri Krishna. तो आज हम जा रहे हैं अपने घर वापस सहारनपुर दो दिन के लिए. बेसिकली क्या है, हमने आपको लास्ट व्लॉग में बोला है कि हम रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट हफ्ते में दो व्लॉग डालने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी कोशिश जारी है. अरे तू जा रही, तो उसके लिए हम आज व्लॉग बना रहे हैं ताकि आप लोग हमें गाली. वैसे हम क्यों आपको बताएं कि हम क्यों व्लॉग बना रहे हैं. हम बना रहे हैं क्योंकि हमें आप लोगों से कनेक्टेड रहना है, इसीलिए बना रहे हैं. तो बता भी दिया, कह रही हम आपको क्यों बस हम आपसे ये नहीं बोला करेंगे क्योंकि हम इसलिए व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए व्लॉग बना रहे हैं, बस हम बना रहे हैं. वो मैं इसलिए बता दिया ना, कमेंट्स में लोग बोलते हैं ना, गालियां देते, कहते भाई तुम 6 महीने से रेगुलर ही नहीं हो पा रहे. तो हमने बोला है ना कि हम आपसे दो डाला ही करेंगे हफ्ते में, तो अब हम हो गए हैं, अब हम डाला ही करेंगे. नहीं, मेरी मर्जी है. बस अब हम इसके आगे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे. हटो, मुझे पानी गर्म कर. ओके फाइन, सॉरी, आई एम सो सॉरी. फिर पैकिंग वैकिंग कर ले. पैकिंग तो हो गई पूरी, बस अब सामान रखते हैं फटाफट और चाय बनाते हैं. अबे ढिल्ली हो, ढिल्ली साले तू, ढिल्ली इतनी देर लगा दी, 2 घंटे हो गए, पैकिंग ही नहीं हुई तेरे से. हो चुकी है भाई, ये देख सब काम कर लिया मैंने. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाता हूँ, आज मन नहीं है मेरा बाहर जाने का. ये नहीं जाता गाइस, इतना झूठा इंसान है ना. चल जल्दी लेके आ जा, मैं दूध लेने जा रही हूँ, तू ये ठीक कर ले, मैं तब बैठ. हाँ कर लूंगा, कर लूंगा. तो गाइस जैसे कि आप सबको पता लग ही चुका है, तान्या जा चुकी है बाहर से दूध खरीदने. मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, और उसी 5 मिनट के टाइम के अंदर अंदर ही मैंने सोचा मैं तान्या पे प्रैंक करूंगा. मैं प्रैंक इसलिए कर रहा हूँ इतना ज्यादा क्योंकि आप सब मुझे कमेंट्स में आधे से ज्यादा यही बोल रहे थे, प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो. तो मैंने आज बहुत ही खतरनाक खुराफाती प्रैंक सोचा जो कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा, और वो प्रैंक है अनियन गार्लिक परफ्यूम, जो कि मैं अभी के अभी बनाऊंगा. यहाँ पे प्याज और लहसुन को मिक्स करके इसके अंदर मैं परफ्यूम ऐड कर दूंगा. और गाड़ी में अभी हम सहारनपुर जाएंगे, तो रस्ते में मैं पूरे रस्ते परफ्यूम करता हुआ जाऊंगा ताकि उसे स्मेल आए और वो हैरान हो, और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है इस परफ्यूम को सूंघने के बाद. और आप सब में से किसी को भी होम डिलीवरी चाहिए इस परफ्यूम की, मैं इसका बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सब ऑर्डर कर सकते हैं. मात्र 100 रुपए का सिर्फ परफ्यूम है, लेकिन मंगवाने से पहले ये सोच लेना कि आपका लाइफ इंश्योरेंस हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये सूंघने के बाद आपको कुछ भी हो सकता है. LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. तो सबसे पहले मैं ले आया हूँ प्याज, जो कि मैं इसमें डालूंगा. यार मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा से ना अदरक भी डाल दूं, अदरक से क्या होगा थोड़ा कड़वाहट भी आ जाएगी. तो ये है अदरक और ये है लहसुन, ये मैंने तीनों को ऐड कर दिया. भाई इसमें तो अभी बहुत गंदी स्मेल आ रही है. देख रहे हो कितना जोर लगा रहा हूँ. तू समझा? नहीं तू समझा नहीं. फोन ही गिर गया. बहुत गंदी स्मेल है गाइस, इसका पेस्ट रेडी हो चुका है. बहुत गंदी स्मेल है भाई. तो इसमें मैं हल्का सा पानी मिलाऊंगा ताकि बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं हो रहा है, हल्का सा पानी मिलाऊंगा, फिर उसके अंदर ये मिक्स कर दूंगा. गाइस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इस इतर को बनाने में, इस परफ्यूम को बनाने में, तो उसको बनाने में मेरे को लगे हैं पूरे 5 से 7 मिनट, और मैंने उसमें मिला दिया है अब मेरी सीक्रेट रेसिपी, जिसकी वजह से शायद कोई बेहोश भी हो सकता है. तो तान्या बस आने वाली होगी, और मैं इसको डाल रहा हूँ अपनी पॉकेट में, और रस्ते में कभी भी मैं एकदम से परफ्यूम कर दूंगा, और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इसका. तो हम लोग निकल गए हैं गाइस. ओके ड्राइवर, इज्जत से बात कर, चलो चुप करके आ गया. चल नहीं, आज मेरे पीछे बैठने का मन है. तान्या यार क्यों कर रही है ऐसे यार, चल लेना. तू एक दिन ड्राइवर नहीं बन सकता मेरा? गजब बेइज्जती है इस साइलेंस को, मैं क्या समझूं? इस साइलेंस का भी ये समझो कि आप एक नंबर के, तुम एक नंबर का चू ओ, और आगे आओ. आ रही हूं. अरे यार ये जिस रूट से हम निकले हैं ना, यहाँ की रोड्स देखो कितनी ज्यादा खराब है. देखो इतनी देर से हम ऐसे 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 हिल डुल ही रहे हैं. भाई मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं सी हूँ, क्योंकि मैं चू हूँ, मैं इस रोड से आया. लेकिन याद कर,
ने मेरे को बोला था एक दिन की इधर वाली रोड से जाया करो, एक दिन बोला था ना, तो बस मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं बोला ना, बस दिखा दी ना वही मर्द जात वाली चीज। क्या क्या कमियां हैं उसमें कि हर चीज का ब्लेम औरतों पे डालना है। मैं अगर औरत जात पे आ गया ना, अरे जा चल फिर बताऊंगा। ये हमेशा यही करता है हर चीज। देखिए ये औरत की आदत होती है जब पकड़े जाने लगो ना तो काट के ये इसकी आदत है कि हर चीज का ब्लेम ये मुझ पे ही डालता है। यार इसकी आदत है ये सब बोलने की, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी आपने देखा है कि इसने आपके सामने बोला कि एक दिन तूने कहा था ना इस रोड से आने के लिए, तो आज तेरी वजह से गलती से आए हम यहाँ पे। मैंने कहा कि एक दिन तूने मेरे को कहा था तो मेरे दिमाग में आ गया कि वहीं से ही चलते हैं। हाँ, तो इसने मेरे ब्लेम मेरे पे डाल दिया कि तू ही कहती है। कहती है तो कहा ही नहीं, झूठ। और जात आज पकड़ी गई, कहती है इस चीज की रिकॉर्डिंग। बंद कर दूं कैमरा तो मेरे हाथ में। हम आधा रास्ता कवर कर चुके हैं सहारनपुर का, और रास्ते में हमारे पास आया हमारे प्यारे भैया माधव भैया का फोन, जिन्होंने हमें बोला कि मेरे लिए रास्ते से मैकडी से बर्गर्स लेकर आना दो। और मैंने बता दी ये बात मेरे ससुर जी को, मतलब उसके बाद पापा का फोन आया कि कहाँ पहुंचे हो, तो शिवम ने बोला बस हम मैकडी रुके हुए माधव के लिए बर्गर लेने के लिए। तो पापा ने सबके सामने बोल दिया अरे बर्गर आ रहे हैं। शिवम को कहता अरे कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे बर्गर के लिए, सबसे सब पूछ दिया जा रहे हैं। अब इसमें इतने सारे बर्गर्स हमने पैक करवाए हुए हैं सबके लिए, टब्बर मैकपफ और बर्गर खाने वाला। आज बढ़िया शाम को सब मीठी मीठी चाय बना के साथ में बर्गर पाड़ेंगे घर पे। बस हम पहुंचने ही वाले हैं अब सहारनपुर, मुश्किल से कितने 15 मिनट का रास्ता रह गया होगा ना। नहीं अभी लगेंगे 25-1 मिनट। हां यार ट्रैफिक भी है ना आज, एक्चुअली रोड्स पे ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इस रूट पे, क्योंकि यहाँ पे ना फार्मर्स का कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसलिए आधे रास्ते बंद है, तो सब लोग ही यहीं से ही जा रहे हैं। स्मेल से नहीं आ रही इधर को अजीब सी यार? नहीं अजीब सी स्मेल आ रही है, कोई परफ्यूम आ रही हो? परफ्यूम तो गाड़ी में से निकाल दिया था ना पिछली बार, खत्म हो गया। अरे मैं लाया हूं, रुक जा। चालाक ब्रो चालाक, मैं कर देता हूं हल्का सा परफ्यूम। मुझे तो बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, अजीब सी आ रही है यार, लहसुन की पता नहीं ऐसे अजीब सी। अरे वो बर्गर्स की वजह से तो नहीं आ रही आपको? हां उसकी वजह से हो सकता है, कोई नहीं हल्का सा परफ्यूम कर देता हूं। बाकी ये बताओ कि आप लोगों में से किस किस को मैकडी के बर्गर्स पसंद है। अच्छा कुछ लोगों को ना बर्गर किंग का बर्गर ज्यादा पसंद होता है, तो मेरे को तो ज्यादा मैकडी का पसंद है। मुझे तो बर्गर किंग का वो बहुत पसंद है, वूपर। इस बोतल में परफ्यूम? हाँ यार ये तो मेरी टोनर की बोतल है। नहीं नहीं ये पॉकेट परफ्यूम है पागल, वो अलग है, उसके जैसे ही है सेम। अब आ रही है बदबू खाने की है, कुछ पता नहीं अजीब सी लहसुन जैसी सी। लेकिन मैकडी के बर्गर्स में से तो ऐसी नहीं आती स्मेल। वही ना अजीब सा हो रहा है, थोड़ा सा और कर देता हूँ। मुझे लग रहा तेरे और तेज हो रही है, तेरे उधर से आ रही है। ये कितनी गंदी स्मेल है, ये क्या है? दिखाइए ये क्या है? नो नहीं ये फंस गया। और मेरे टोनर की बोतल है ये तेरी, पागल आदमी। ओ तुम्हारे को आए हाय मेरे ऊपर मार दिया सारा पागल बेवकूफ। मुझे यही तो चाहिए था, यही चाहिए था मेरे को। आए हाय मेरे से लहसुन की बदबू आ रही है। आए हाय क्या दुर्गंध है ये, क्यों किया आपने? मेरी मर्जी, मेरे टोनर की बोतल में से इसमें से स्मेल भी नहीं जाएगी। शिवम क्या हंस रहा है, ये क्यों किया? है क्या पूछ तो ले, क्या है ये लहसुन जैसा? तू आज दूध नहीं लेने गई थी? हाँ मैंने सारी गाड़ी पे भी डाल दिया, प्याज लहसुन और अदरक को कूट के पानी पे निचोड़ के इसमें डाला था। लेकिन क्यों? आए आए क्यों डाला? इन लोगों को बोलो जो प्रैंक करने को बोलते हैं हमें बार बार। हमको नहीं पता
यार तो मैं तेरे ये सड़े हुए प्रैंक से इतनी परेशान हो गई हूँ ना, रोज रोज कैसे प्रैंक कर सकता है। देखो जी प्रैंक ऐसा करो जो प्रैंक लगे ही ना, अगर मैं तेरे ऊपर रोज उल्टे सीधे ऐसे ऐसे प्रैंक करने लग गया ना, चीटिंग प्रैंक ऑन हर। और यार ये क्या है, आप लोग कमेंट करना बंद करो, प्रैंक प्रैंक रोज ही मेरे पे प्रैंक करने लगा है। भाई लोगों को मजा ही उसमें आता है प्रैंक में, कहते हैं प्रैंक करो चकदे फटे। इसमें से ये स्मेल भी नहीं जाएगी यार। नहीं नहीं बॉटल ले दूंगा यार, जाने मेरे साथ होगा तो टेंशन ले। ऐसे थोड़ी होता है, ये मेरी पूरी सेट की बॉटल थी। पूरा सेट नया ले दूंगा और बता दू कितने का होगा, 500,000 रुपए का होगा, ले लियो। क्या ये प्रैंक 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 पागल नहीं तो भाई। अब लास्ट प्रैंक तो मेरा सक्सेसफुल हुआ नहीं, लिपस्टिक लिपस्टिक कर दी तूने, अब इसमें एक पे तो तेरे को इरिटेट करने का मौका मिले, वो कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। गाड़ी में बदबू कर दी, खोल चीजे खोल उधर से। इसने कुछ ज्यादा ही प्रैंक 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 करा हुआ है ना, तो इसके साथ मुझे ताने ताने दे रहा हूँ। छी क्या छी 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 क्या छी छी, तूने मेरे बाल पे गिर दिया। तने मत कर यार, तने पुलिस 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 तने पुलिस पुलिस। तो मैं पुलिस से डरती हूँ क्या? पुलिस को भी यही मारती हूँ। चलान करेंगे ना सर। नहीं तारा प्लीज यही मत कर, मैं तेरे मुंह पे तो नहीं छोड़ा यार, तू तो मुंह पे छोड़ रही है यार। आए हाय छी 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 से खोल। I don't know इसके पास इतना दिमाग कहाँ से आता है, ये थर्ड क्लास प्रैंक अनियन बचपन से ये सब करते आ रहे हैं, तो हमें आदत तो बहुत और भी खतरनाक चीजें करने की है। जैसे कि मैं बचपन में मेरे जब कजन आए होते थे मामा जी के, वैसे तो ये बहुत ज्यादा शौक से बताने वाली बात नहीं है लेकिन बता देता हूँ आपको क्योंकि बहुत चीप बात है। जब मेरे कजन आते थे ना साइड में सो रहे होते थे, मैं उठ जाता था और उठ के ना उनके कान में थूक भर देता था। वो सो रहे होते थे कान में थूक भर देता था और मोबाइल में वीडियो बनाता था उनकी। हमारे पास नोकिया का फोन होता था जो नया नया कैमरे वाला फोन आया था ना, उसमें वीडियो बनाता था कि देख मैंने रात को तेरे कान में थूक भरी थी। एक के आपने थूका भी था ना जिसके मुंह में चली गई थी। हाँ हाँ, एक के कान पे डाली मैंने, उसके कान में जाने की बजाय ना ऐसे सो रहा था यहाँ पर गिर गई और यहाँ से टपकती टपकती उसकी यहाँ आई और उसने प्रॉपरली ऐसे किया नींद में जैसे, और वीडियो बनी। अगले दिन मैं उसे वीडियो दिखाई, भाई इतना रोया इतना बुरा माना वो, क्या बताऊँ। क्या करते थे दाने बचपन में, ऐसा कुछ बदमाशियां तुमने करी अपने कजन्स के साथ? ऐसे वाली तो कुछ नहीं करी, थूक वूक तो कभी नहीं डाले मैंने अपने किसी कजन के मुंह में या कान में। हम घिनौने कजन्स नहीं थे, हम बहुत अच्छे सुधरे हुए बच्चे थे। कुछ तो करते होगे कि होली पे भूत बना देना, कुछ तो ऐसी शैतानियां। हाँ, तो नॉर्मल सी है, होली पे बालों में रंग डाल देना फिर बाल्टी पे बाल्टी डालते रहना तो कलर भर जाता था एकदम से बालों में, ऐसी वाली चीजें करते थे हम। थोड़ी अच्छी वाली ऐसे ग्रोस ग्रोस सी चीजें नहीं करते थे। अभी तो मैंने असली ग्रोस बताई नहीं, तो मैं बता, ये तो बहुत चीप। हाँ एक ग्रोस मुझे शिवम की पता है, वो भी मत बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार शिवम ने क्या किया, जब शिवम बहुत छोटा सा काका सा था ना, तो गली में एक और भैया रहते थे विशाल भैया, तो वो पहले बचपन में लोग गली में ही पोटी कर देते थे ना बच्चे, तो विशाल भैया ने गली में पोटी कर दी और शिवम काका था वो रिड़ता हुआ नहीं होता जो ऐसे क्रॉल करते हुए जा रहा होता, तो ये गया और इसने उनकी पोटी उठाई और उनकी पॉटी तक खाई हुई है। और वो विशाल भैया वही है जिनके अभी थोड़े दिन पहले हम शादी में भी गए थे। आए हाय बहुत घिनौना है यार मेरा पति। भाई घिनौना क्या, बचपन था वो, इतना छोटा था मैं शायद, तो मेरा भी था, मैंने तो एक साल का था शायद, मैं एक डेढ़ साल का रिड़ता, ऐसे रिड़ते होते हैं ना। मम्मी मेरे को बताती थी कि बचपन में तू बिल्कुल गेट पे रिड़ता रिड़ता चला गया और बाहर विशाल ने पॉटी कर दी, तूने उसकी पॉटी खा ली, फिर हमने जल्दी जल्दी तेरे को खींचा और तेरा मुंह साफ किया। मम्मी का ही फोन आ गया, मम्मी की बात कर रहा था मैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप यू गाइस एंजॉयड द ब्लॉग, और आप भी ट्राई कर लेना ये अनियन लहसुन और अदरक का परफ्यूम, ट्राई करके देखो, बहुत गंदी स्मेल है इसकी। एंड ओके गाइस, टेक केयर, बाय, लव यू।